इंडिया ने जो एक जो प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट है विक्रम एस जो है वो कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए माइलस्टोन है, क्योंकि इसने कमर्शियल स्पेस इंडस्ट्री जो है वो करेगी। इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया उन्होंने, और किसी ने उनसे पूछा था इसरो का बजट इज 100th ऑफ दैट ऑफ नासा। जब इसरो ने 104 सैटेलाइट ऑर्बिट में डाले थे, तो जब डोनाल्ड ट्रंप को पता लगा, उसने पूछा, यार ये मैंने सुना, ये सच है क्या? बोला हाँ सब सच है। बोला नासा वाले क्या कर रहे हैं? जिस तरीके से इसरो हमें नासा को कम्पीट करते हुए बराबर एजेंसीज हैं, उनकी जानिब से पाकिस्तान की जो तो दर्जा बंदी है वो मनफी और सियासी अदम इस्तेहकाम के बायस पाकिस्तान के दिवालिया होने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। लॉन्च होने वाला है इंडिया का प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम है विक्रम एस। पाकिस्तान में सियासी बहरान इस वक्त अपने उरूज पर पहुंच चुका है, अवाम सड़कों पर है और मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच गया है। तो आपने ये छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर चीमा बात कर रहे हैं। भारत ने पहली बार प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है विक्रम एस, सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है इसे श्री हरिकोटा, आप जानते हैं आंध्र प्रदेश से। और ये कोई मतलब सैटेलाइट लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है, भारत का इसरो कई बार सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है, दुनिया के कई देशों के कर चुका है, बट ये था प्राइवेट सैटेलाइट। वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, पहले पूरा वीडियो देखते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है। जय हिंद, मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के। ये रॉकेट समझा कहा जा रहा है कि 5 KG का जो रॉकेट है जो कि बेसिकली जो लॉन्च किया गया है एक साइट है नियर चेन्नई के करीब से, और ये सुनने में आ रहा है कि ये 5 मार्च तक वहाँ पहुँच जाएगा। और जो स्पीड की 5 times इट इज़ द स्पीड ऑफ द साउंड, आप अभी इमेजिन करें, और 83 KG का जो पेलोड है ये लेके जा सकता है। सो अगर आप ये देखें कि दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ इम्पैक्ट इंटरनेशनली। गो के लास्ट टाइम भी एक इंडिया ने जो है रॉकेट पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया था, वो खैर मिसाइल था, वो तो रॉकेट नहीं था, लेकिन ये है कि जो इंडियन मिसाइल उन्होंने पाकिस्तान में छोड़ा था उसके लिए उन्होंने 3 बंदे भी फारग किए। लेकिन आई डोंट पर्सनली कंसीडर कि इंडिया जो है वो इन चीज़ों को वो दे आर लुकिंग इन टू वेरी केयरफुली कि जी ठीक है पाकिस्तान के रिलेटेड है तो हम इसको करें। दैट वॉज डन डेलिब्रेटली बाई इंडियन अथॉरिटीज़। आई हैव ऑल दी डाउट्स एंड ऑल दैट, बट एनी हाउ अब ये जो मैंने आपको बताया कि एशिया की जिसे कहते हैं ना कि द वर्ल्ड वेस्ट जो है वो इंडिया को एशियन पार देखना चाह रहा है, दे डोंट वॉन्ट चाइना एंड एशियन पार। सो इसलिए कहा जा रहा है कि जो इंडिया है दैट इज़ अमर्जिंग एज ए न्यू एशियन पावर। अब आप ये इमेजिन कर लें कि इफ इंडिया इज अ न्यू एशियन पावर तो बेसिकली दे आर डायरेक्टली कंपीटिंग कंटेस्टिंग फॉर पावर फॉर मनी फॉर रिसोर्सेज फॉर एवरीथिंग अगेंस्ट द चाइनीज। सो दैट इज वेयर आई थिंक व्हाट इज इम्पॉर्टेंट एंड दैट इज वेयर व्हाट वी हैव टू सी वेरी केयरफुली के पुटिन को कह रहा है कि भाई तुमने वॉर जो है दिस इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, और यूरोप और अमेरिका के साथ मिलकर जो है वो पुटिन की क्लास ले ली, और पुटिन के और यूरोप और अमेरिका को ये भी कहा कि मैंने रशिया से तेल भी लेना है बिकॉज मेरे लिए ये दिस इज माई नेशनल इंटरेस्ट and I don't want to lose this. So ये आप imagine कर लें that ये जो basically सारा idea है किस तरह इंडियन सोसाइटी को भी ये एक्सेप्टेबल है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी एक्सेप्टेबल है। सो मोदी का जो इमेज है इंटरनेशनली वो बहुत बहुत ऊपर चला गया, और दैट इज़ वेयर आई थिंक इफ पाकिस्तान कीप्स लुकिंग कि व्हाट आर आवर कार्ड्स, हमारे कार्ड्स क्या हैं, हमारे पत्ते क्या हैं, अब हमने इंडिया से कैसे डील करना है, तो ट्रस्ट मी यू पाकिस्तान रियली नीड टू वर्क अ लॉट बिकॉज क्या आप इंडिया के साथ इकोनॉमिकली डील करना चाहते हैं, क्या आप इंडिया के साथ जो है वो क्या उसे कहते हैं ग्लोबल इमेज में डील करना चाहते हैं, क्या पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का इतना इमेज है, क्या हम इकोनॉमिकली डील कर सकते हैं। जब यूके के प्राइम मिनिस्टर या ऋषि सोनक से मिलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने फ्लड्स के लिए पैसे भेजे, शुक्रिया अदा करेंगे आपने एड भेजी, शुक्रिया अदा करेंगे, बट व्हाट ही इज़ टॉकिंग कि मुझे 3,000 बंदा चाहिए। अब देखें ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई 3,000 बंदा नहीं होगा, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की जो टॉप प्रायोरिटी होती है जिधर जाते हैं ये क्लाइमेट फंड के नाम पर, और अब पैसा मांगना शुरू कर दिया है, पहले भी पैसा मांग रहे थे, अब जो क्लाइमेट और एनर्जी और ये इन चीज़ों के ऊपर वो पैसा मांग रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। मुझे इस पर भी बड़ी सख्त तकलीफ होती है कि भाई आप लोग अपॉर्चुनिटीज तलाश करो, अगर क्लाइमेट का मसला इमर्ज हो ही गया है तो आप लोगों से बात जरूर करो, बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ ये लोग के पैसा ले। बल्कि मैं आज ही एक रिपोर्ट देख रहा था कि पाकिस्तान के अंदर ये जो क्लाइमेट का हमने $30 बिलियन का जो एस्टिमेट लगा दिया इस पर तो हमारे पास डेटा ही कोई नहीं है,
लोकल लेवल का डाटा ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, यूनियन काउंसिल लेवल का डाटा नहीं है। और दुनिया को हमने जाके ये कह दिया विदाउट डाटा हम चीज़ें दुनिया को बता रहे हैं कि जी हमारा टोटल ऑलमोस्ट मेरा ख्याल लगता है कोई सानू लगता है कोई इन्ना को हो गया होना, मतलब सानू इंज लगता है जो जो है ना, मतलब पंजाबी में जारी बात है लीडरशिप बैठ के मेरा ख्याल है सर इतना को लग गया होगा सर, देखिए ना आप ये इतना को तो नुकसान हो गया होगा सर। सो आई थिंक दिस इज़ नॉट हाउ द नेशंस मतलब कोई तरक्की नहीं करती। ये प्राइम मिनिस्टर साहब जाते हैं इनको भी अपना डाटा लेके जाए। मैंने एक चीज़ नोट किया है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग ऑल दीज डेज इज दैट दे आर टॉकिंग ऑल अबाउट डाटा। हमारा प्रॉब्लम क्या, हमारे पास डाटा अपना ही कोई नहीं है। जब बाहर से डोनर शोनर पैसा लेके आते हैं वो अपना डाटा एनालिसिस करते हैं, वो सारा पैसा तो इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने लगा देते हैं कि पैसा लगाना किधर है, बिकॉज वी डोंट हैव अ क्रेडिबल डाटा। और डाटा को कहा जाता है कि दैट इज़ ऑयल ऑफ 21st century, 21वीं सदी का भाई यही तेल है, जिसके पास डाटा होगा दैट विल डू एवरीथिंग। लेकिन हम ना हमारे पास डाटा है ना हमारे पास कोई विजन है इस सेंस में कि हमें चीज़ों को किस तरह आगे लेके चलना है। और दुनिया से भाई पैसा ज़रूर मांगें, आप क्लाइमेट फंड ही पैसा मांग लें, लेकिन एटलीस्ट अपनी कोई बेस बना लें, कोई यूनिवर्सिटियाँ बना लें, इंस्टीट्यूट बना लें, कोई अपने लोगों को स्कॉलरशिप उस पर दिलवा दें ताकि कोई आपकी एक्सपर्टीज डेवलप हो जाए। कोई 200-400-500 लड़के को लड़की को हमारे बच्चों को यूरोप अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में जो है वो स्कॉलरशिप दिलवा दो ताकि वो 5 साल बाद 4 साल बाद जब पाकिस्तान आए तो अपनी कोई स्टडी कर सके। लेकिन हम क्लाइमेट फंड वालों को, हम क्लाइमेट वालों को अपने घर में कौन सी लिफ्ट कराते हैं? ये जो वज़ीर आज़म साहब हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब आजकल दुनिया के दौरे कर रहे होते हैं वो इसलिए कर रहे होते हैं बस सिर्फ इतना बताने के लिए कि यार देखो ना वो हम गए थे वहाँ पे ये हुआ हमारे साथ वो हुआ हमने वहाँ से ये लिया उन्होंने हमें ये दिया, सिर्फ पैसे के चक्कर में, ताकि आगे अगले साल जो इलेक्शन आ रहा है उसके लिए थोड़ी डेवलपमेंट शेवलपमेंट कर ले। सो इफ दिस इज़ द पर्पस थिंग्स विल नॉट बी द सेम। लेकिन आप देखेंगे उधर वो जो है वो किस तरह अपनी उन्होंने अपनी गेम फिट की हुई है, ठीक है जी। और आप उनको जो है वो आप देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डेलिब्रेटली ये इसी साल इन्होंने प्रेसिडेंसी ली, हालांकि ये प्रेसिडेंसी इनको पिछले साल मिलनी थी या उससे पिछले साल आई थी, लेकिन इन्होंने कहा जी हमारे 75 साल हो गए हमें वो प्रेसिडेंसी दें G20 की। अब उसके बाद ऑटोमेटिकली वो सारे का सारा उनको पता था हमने 6 महीने बाद इलेक्शन होने हैं तो हम अब सो इट इसको अब ये भी कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अगली दफ़ा G20 इंटरनेशनल जो इंडिया का इमेज है उसको कैश इन करेंगे फॉर द नेक्शंस। अगले साल वो पाकिस्तान को टारगेट नहीं करेंगे, ही विल नॉट टारगेट पाकिस्तान द वे ही डिड इट बैक इन 2019। सो ये चीज़ें दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उनकी जो ओरिएंटेशन बता रही है कि वो उनका फ्यूचर आउटलुक वो बता रहा है कि वो अपने या वो चाइना को टारगेट करेंगे वेस्ट से मदद लेने के लिए और अपनी डोमेस्टिक पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे कि देखो हम दुनिया के कितना करीब हैं, वेस्ट के कितना करीब हैं और मैं कितनी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा हूँ। सो दिस इज़ वॉट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड टू सी कि ये चीज़ें कैसे आइंदा आने वाले दिनों में डेवलप होती हैं। एंड द वेस्ट इज़ कंसिडरिंग इंडिया एज ए न्यू एशियन पावर रादर चाइना। अब इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं जोको विडोडो, उन्होंने बेसिकली G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो पीएम मोदी को दे दी। अब पीएम मोदी को याद रखें कि वो अगले साल सितंबर के अंदर 2023 के अंदर जो है वो ये लीडर्स समिट करेंगे और ये सारी की। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखा, आप देख सकते हैं किस तरीके से कमर चीमा ने एक्सप्लेन किया कि जो पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है भारत ने प्राइवेट, पहला तो भारत ने आर्यभट्ट बहुत पहले लॉन्च कर दिया था लेकिन ये प्राइवेट सैटेलाइट। प्राइवेट सैटेलाइट का मतलब होता है कि मतलब दुनिया की कोई भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, दुनिया के आपके पास इतना पैसा है कि आप सैटेलाइट बना के लॉन्च कर लो, आपको कुछ उसका करना है, कुछ आपको रिसर्च करना, कुछ ऐसा करना तो आप कर सकते हो अपने पैसे से। तो इस तरीके का सैटेलाइट लॉन्च किया है इसरो ने, विक्रम एस नाम है इसका, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया इसको। और प्राइवेट सैटेलाइट पहले इंडिया में लॉन्च नहीं होते थे, अगर इंडिया के किसी कॉमर्शियल कंपनी या किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी को अपना को प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च कराना है तो उनको दुनिया के दूसरे देश जाना पड़ता था। तो इसरो ने अब ये करके एक चीज़ कर दी है कि वो दुनिया के सभी प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तैयार है। इसरो का सक्सेस रेशो आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त सक्सेस रेशो है। इसरो ने जो भी हासिल किया उससे भारतीयों को गर्व महसूस करना चाहिए। आपको याद होगा चंद्रयान 2 मिशन जब फेल हुआ था तो पाकिस्तान के मिनिस्टर, पाकिस्तान का मीडिया हम पे हंस रहा था यार। मतलब याद होगा आपको बिल्कुल लास्ट में जाकर चंद्रयान मिशन फेल हुआ था तो जिसको लेकर दुनिया के कई देशों ने इसरो की बहुत तारीफ की थी कि टफ, हमने चंद्रमा के उस हिस्से
पे जाने की कोशिश की थी, जहाँ पे दुनिया का आज तक कोई देश नहीं गया है। तो उस वजह से हमारी काफ़ी तारीफ़ की गई थी कि आप इतने करीब पहुँचे। और अब इसरो हमें हर वक्त हमें मौका देता है कि आप गर्व महसूस करें, तो इस टॉपिक के बारे में आप क्या कहेंगे? प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है। जय